जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही वैसे सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार लोकसभा चुनाव में शिलान्यास कर 2019 के लोकसभा चुनाव की जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते सांसद निशंक ने रुड़की रेलवे स्टेशन के बराबर से गुजरने वाले रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज और ढंडेरा के ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास नहीं किया गया है। रेलवे स्टेशन पर जो शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए, लगभग 50 करोड़ से भी अधिक के जो ओवरब्रिज अंडर पास और विभिन्न योजनाओं का जो रेलवे का हुआ है, जिसमें रेलवे में लक्सर का अंडर पास का यहाँ पर शिलान्यास हुआ। ये पाडुली गुजर जो सबसे बड़ी समस्या थी, लगभग 50,000 लोग उससे प्रभावित होते थे, गांव के दर्जनों गांव होते थे, उसका भी आज शिलान्यास हुआ है। 514 बी जो गेट है और दूसरी से लेकर के बहुत सारे ओवरब्रिज का और अंडर पासों का कुछ शिलान्यास हुआ है, कुछ उद्घाटन हुए हैं। वहीं आज रुड़की में झबरेड़ा विधानसभा, रुड़की विधानसभा, कलियर विधानसभा सहित लगभग कुल मिलाकर केंद्रीय सड़क निधि से 450 करोड़ रुपए आया है और रुड़की के तेलीवाला से ओवरब्रिज बनने से सैकड़ों गांव वासियों को लाभ मिलेगा। रुड़की से लाइव उत्तराखंड के लिए संदीप चौधरी की रिपोर्ट।